सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्यों नहीं उठा रही है? सारा पिक अप द फोन। फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैडम क्या हुआ? भैया वो मेरी स्कूटी का पंक्चर हो गया है। पंक्चर बनवाने वाला आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? मैकेनिक तो यहाँ आसपास नहीं मिलेगा मैडम जी, वो पीछे जहाँ से आप आई है ना उधर ही मैकेनिक तो वहां मिलेगा, उधर ही लौटना पड़ेगा मैडम जी। वो उधर पीछे, वो वहां आइए। मुझे नहीं जाना, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। अरे मैडम आप करती क्या है जी? हम वो रामपुर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं, बस वहीं से। डॉक्टर? फिर तो हमें आपकी मदद करनी पड़ेगी मैडम। अरे क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? है, आप चिंता ना कर, हम आपकी मदद करेंगे ना। स्कूटी छोड़िए हमारी, जाइए यहाँ से। मैडम हम ढूंढवा देंगे, अरे मैकेनिक ढूंढवा देंगे, नहीं तो खुद बना देंगे पंचर, हमारी दुकान है। अरे क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? छोड़िए। अरे हमारी बात तो सुनिए, आप हमारे साथ चलिए। अरे बहू जी, अरे हम तो बिटिया की मदद कर रहे हैं, तुम काहे खामा का चिल्ला? चल जा यहाँ से, शर्म नहीं आया ऐसे काम करते? बेशर्म आदमी, चल जा यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे हम तो मदद कर रहे थे, भलाई का तो जमाना नहीं रहा। अरे हाँ, अरे हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं। जब देखो जब। कहाँ से आ रही हो बिटिया? आंटी जी वो हम रामपुर के सरकारी अस्पताल में ना डॉक्टर है, तो रामपुर से सोनपुर तक तो हम बस में आ जाते हैं, फिर यहाँ से हम अपनी स्कूटी लेकर अपने घर चले जाते हैं। देखिए ना आज ही हमारी स्कूटी पंक्चर हो गई। पर बिटिया अब तो शाम हो गई है और कुछ ही देर में रात हो जाएगी, ऐसे में तुम अकेले पंचर की दुकान कहाँ ढूंढोगी? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। कुछ देर में आ जाएगा हमारे घर वालों का फोन, वो हमें लेने आ जाएंगे, हम स्कूटी यहीं कहीं छोड़ देंगे। इस समय तो तुम्हें सरकारी बस भी ना मिलेगी यहाँ पे कहीं। तुम ऐसा करो, मेरा भतीजा आ रहा है, तुम उसके साथ चली जाना, वो बनवा देगा स्कूटी तुम्हारी, आराम से चली जाना बिना डरे। वो देखो आ गया भतीजा मेरा। अरे प्रीतु, क्या हुआ काकी? बेटा बिटिया की स्कूटी पंचर हो गई है, थोड़ा पंचर बनवा दे बिटिया की, हेल्प कर दे। ठीक है काकी। चल अच्छा बिटिया। अरे मदद कर उसको, साइकिल पर रख मेरे। आ काकी। अच्छा बिटिया आराम से जाना। क्या हुआ दीदी? पंक्चर हुई है। कितनी दूर है पंक्चर वाले की दुकान? 1 किलोमीटर दूर है, चलिए अभी बनवा देते हैं। क्या दी की 4 मिस्ड कॉल्स?
भैया पंचर वाले की दुकान कहाँ है? बस मैडम, आने वाली है दुकान, थोड़ा सब्र रखो। हेलो सारा, कहाँ थी तुम? कितनी बार कॉल किया तुमको? अरे दी, वो मैं कॉलेज के प्रोजेक्ट में बिजी थी और मेरा फोन हॉल में पड़ा था, मैंने बस अभी देखी आपकी कॉल। आप वो कहाँ, इतनी रात हो गई आप घर नहीं आए? सारा स्कूटी पंक्चर हो गई है हमारी, तुम्हें पता है पिछले 15 मिनट से चल रहे हैं। दी मतलब इतनी रात हो रही है, कहीं कुछ बुरा होते होते बचाए सारा। एक 40-50 साल का आदमी बदतमीजी कर रहा था हमारे साथ, मेरी तो जान सूख गई थी। रास्ता सुनसान पड़ा था, कहने लगा मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलो। दिया ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो एक आंटी आ गई थी, उसने ऐसी ग्लास लगाई उस आदमी की, उसने अपने भतीजे को भी मेरे साथ भेजा पंक्चर ठीक करवाने के लिए। बेचारा वही स्कूटी खींच के लेके जा रहा है। थैंक गॉड एक तो पापा भी नहीं आया अभी तक, वरना मैं आपको लेने आ जाती पापा के साथ। और वो आपके कलीग, क्या नाम है उनका, संपत, वो आज हॉस्पिटल नहीं आया आपके साथ? नहीं, वो संपत ने छुट्टी ली है, भोपाल में ही है अभी। कहाँ फंस गई मैं यार। स्कूटी को भी अभी पंचर होना था। खैर छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसी पर भी भरोसा मत करना और मेरे साथ फोन पे बात करते रहो। अच्छा मुझे ये बताओ आपके फोन में बैटरी है? हाँ अभी 80% बैटरी तो है। मैडम जी एक मिनट आपका फोन दीजिए, आगे 2 रास्ते कटे हैं, याद नहीं रहा पंक्चर वाला कौन से मोड़ पे बैठा है, अपने दोस्त से फोन करके पूछ लेता हूँ। सही कियो काकी, सही दिशा में भेजिए लड़की हो, ये रखो इनाम। सर हमारी बात का यकीन करिए, मेरी बहन डॉक्टर भूमि खतरे में है, उसका फोन 80% चार्ज था और उसके बाद ऑफ हो गया। 7 से 9 बज चुके हैं रात के, आप लोग प्लीज कुछ करिए। क्या करें मैडम, 24 घंटे से पहले कुछ नहीं होगा, कंप्लेंट उसके बाद ही होगी। आप डालते रहिए वायरलेस पर सूचना, हम लोग खुद तलाश कर लेंगे अपनी बहन को। चलिए पापा। हमारे देश में हजारों एनजीओ महिला सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी समय समय पर महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाती ही रहती है, लेकिन महिला सुरक्षा की जमीनी हकीकत कुछ और है। क्या देश की महिलाएं, चाहे वो गांव कस्बे छोटे शहर या बड़े शहर की हो, अकेले रात के अंधेरे में बिना डरे
घर से बाहर निकलने की हिम्मत कर पाती है? इसका जवाब नकारात्मक ही होगा। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक दिल दहला देने वाली घटना। डॉक्टर भूमि सिंह एक षड्यंत्र का शिकार हो चुकी थी। सब कुछ पहले से प्लान था। कैसे सामना किया होगा देश की इस बहादुर बेटी ने उन दरिंदों का, और डॉक्टर भूमि सिंह का परिवार जो उसकी सुरक्षा को लेकर पहले से चिंतित था। क्या होगा जब उन्हें भूमि पर हुए अत्याचार का पता चलेगा? कैसे सामना करेंगे वो इस मुश्किल घड़ी का? आइए देखते हैं। कृपया संबंधित पुलिस स्टेशन जान लें। सोनपुर से 3 किलोमीटर दूर खंडहर में एक युवती की जली हुई लाश मिली है। युवती के सामान और उसकी स्कूटी से पहचान रामपुर के स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर भूमि के नाम से की गई है। लड़की के परिजनों को घटना की सूचना प्रशासन द्वारा जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाए। जी सर। शुक्ला, फोन क्यों किया मुझे तुमने? जी सर। सर, भूमि की फैमिली को थाने बुला लिया गया। अब थाने बुलाकर क्या फायदा? हम चाहते उस डॉक्टर को बचा सकते थे, लेकिन नहीं। अरे कुछ नहीं कर सके हम। सर, जिस किसी ने भी इतनी बर्बरता से भूमि की हत्या की है, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। ये केस बहुत ही संजीदा है। अब तक तो पोस्टमार्टम शुरू भी हो गया होगा। तुम एक काम करो, शाम तक मुझे सारी रिपोर्ट अपने टेबल पर चाहिए। जी सर। थोड़ा देर चलो, आसपास देखना, कुछ मिले तो। मार डाला ना मेरी बहन को, जला के मार दिया। बोला था मैंने मेरी बहन का फोन ऑफ हो गया है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। देखिए, सब्र से काम लीजिए, हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या करोगे तुम लोग? मेरी बहन की सिर्फ हत्या नहीं हुई है, उसके साथ रेप हुआ है। देखिए, अभी ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है। क्या बताएगी आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? किसी लड़की का इस तरह से रात में गायब हो जाना। हमारे देश में हर एक घंटे में एक लड़की का बलात्कार होता है, लेकिन लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी बेटी के साथ। संभालिए सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। क्या लिखा रिपोर्ट में? भूमि के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। उसके बाद उसे जला दिया गया। देखा, डांट दिया ना मेरी बहन को। कम से कम उसकी जिंदगी तो बख्श देते। देखिए सर, हमारे पास समय बहुत कम है। आप सब लोग अपने बयान लिखवा दीजिए, क्योंकि अब हमें डॉक्टर भूमि के कातिलों को पकड़ना भी है, उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाना भी है। संपत, डॉक्टर भूमि तुम्हारे साथ कितने दिनों से काम कर रही है? सर, करीब 3 महीने पहले से। 3 महीने पहले उसने ज्वाइन किया था, वो मेरे अंडर में काम करती थी सर। 3 महीने। एक बात पूछे संपत, ये डॉक्टर भूमि का आना जाना कैसे होता था? मतलब यहाँ से रामपुर तो काफी दूर है, करीबन 55 किलोमीटर ना? जी सर, हम दोनों सोनपुर तक बाइक से आते थे सर। डॉक्टर भूमि अपनी स्कूटी से आती थी और अपनी स्कूटी खड़ी करके बस पकड़कर सीधा रामपुर के अस्पताल। सर, वापस लौटते समय वो अपनी स्कूटी उठाती थी और सीधे अपने शहर। डॉक्टर भूमि की किसी के साथ कोई दुश्मनी या नहीं बनती हो? नहीं मैडम, डॉक्टर भूमि तो काफ़ी अच्छी लड़की थी, वो सबका ख्याल रखती थी सर। भला उसकी किसी के साथ दुश्मनी क्यों हो सकती है? फिर भी कुछ याद कीजिए, ऐसा कुछ हुआ था जिसके वजह से कोई डॉक्टर भूमि को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? हाँ मैडम, 1 महीने पहले एक आदमी अपनी बीवी को अस्पताल से लेके जा रहा था। डॉक्टर भूमि की उससे थोड़ी झड़प हुई थी, बात पुलिस को बुलाने तक पहुंच गई थी सर, लेकिन फिर हैं काता दाई की बात मान ले, हमें भी तो अम्मा ने पैदा करा है, हम तो निकाय कभी अस्पताल हैं। चल घर बताता हूँ तेरे को मैं, आज ज्यादा समझदार बन रही है।
कि क्या कर ए रुक हे तुम ठीक तो हो ना क्या हुआ मैडम क्या हुआ इतनी बेरहमी से खींच के लेके आ रहे हो तुम्हें दिखाई नहीं देता ये प्रेग्नेंट है बीवी है मेरी खींच कर लाऊं या इसको मैं मारूं भूमि क्या कर रही हो तुम तुम्हें दिखाई नहीं देता कैसे खींच के लेके आ रहा है इसे अरे प्रेग्नेंट है वो गिर जाएगी कुछ हो जाएगा इसे पागल है क्या ये आदमी लेकर जा इसको वरना इसके साथ अच्छा नहीं होगा अच्छा नहीं होगा क्या अच्छा नहीं होगा हाँ क्या करेगा तू पागल है क्या दिमाग खराब है तेरा इसकी जगह यहाँ नहीं जेल में होना चाहिए संपत तुम पुलिस को फोन करो मैडम जी जाने दो ना ये हमारी आपस की बात है हमें तो अभी इसी के साथ घर जाना है अगर आपने इसे कुछ कहा तो ये घर जाके हमें मारेगा चल चल पागल हो गया तुम तुम चलो बोल रहा हूँ ना मैं अरे तुम उस आदमी को पहचान सकते हो जी सर हमारे रामपुर के अस्पताल में उस आदमी के नाम का और गांव के नाम का पर्चा बना है सर वेरी गुड संपत एक काम करो तुम अपने अस्पताल में फोन करो उस पर्चे की फोटो मेरे नंबर पर भिजवाओ जी सर तुरंत तुम जा सकते इसके अस्पताल से कुछ हासिल होगा जी सर मैम एक मिनट सुनिए मैम डॉक्टर भूमि को गैंग रेप के बाद बेरहमी से जलाकर उनका मर्डर कर दिया गया मैम पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है अपराधियों के बारे में कुछ पता चला ये लोग क्या अपराधियों का पता लगाएंगे मेरी बहन की मौत की जिम्मेदारी पुलिस वाले हैं अगर टाइम पे एक्शन लिया होता तो आज मेरी बहन जिंदा होती क्या आपको भरोसा नहीं है कि पुलिस आपको इंसाफ दिलवा पाएगी हमें पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और ना ही इंसाफ की कोई उम्मीद है एरिया बड़ा सुनसान है रात तो कुछ भी हो सकता है ये दुकान तेरा है फोटो देखो इसको देखा है नहीं साहब कल किसी स्कूटी का पंचर बनाया था तुमने हाँ कल 7:30 बजे एक लड़का पंचर बनवाने आया था वो स्कूटी किस कलर की थी लाल रंग की साहब पक्का पक्का इसे देखोगे तो पहचान लोगे हाँ पहचान लेंगे इतनी उल्टी साइड से आया था फिर इधर ही निकल गया यहाँ आसपास कोई दुकान या फैक्ट्री है आगे है साहब सर किसी दुकान में सीसीटीवी मिल गया तो अपराधी कौन है ये भी पता चल जाए हेलो हेलो सर डॉक्टर संपत बोल रहा हूँ सर हाँ बोलो सर उस दिन जिस आदमी की डॉक्टर भूमि के साथ कहा सुनी हुई थी ना उसका नाम है भोला राम रामपुर गांव का ही रहने वाला है सर हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में उसकी फोटो दिखाई दी सर ठीक है मेरे नंबर पर अभी कभी फोटो भेजो सर मैं भेज चुका हूँ सर आप देख लीजिए ठीक ओह माय गॉड शीतल मैं अभी रामपुर निकल रहा हूँ भोला को उठाने तुम एक काम करो आसपास के सारे सीसीटीवी फोटेज चेक करो स्कूटी के साथ जिस लड़के की फोटेज हमें मिलती है तो हो सकता है सारे जवाब हमें जल्दी मिल जाए सर कारा के बयान के मुताबिक भूमि का फोन ऑफ होने से पहले कोई लड़का उसका स्कूटी ले जा रहा है शायद ये उसका ही प्लान हो
शीतल, मुझे लगता है ये लड़का 100% शामिल है इसमें। शीतल, तुम एक काम करो, मैं हेडक्वार्टर से दूसरी गाड़ी मंगाता हूँ, तुम लोग इस गाड़ी से हो। शुक्ला, तुम साथ में जाओ मैडम के। थाने फोन करो, बोलो स्कूटी बरामद हुई। अगर सीसीटीवी फुटेज मिल गया तो स्कूटी रखने वाला भी मिल जाएगा। यस मैम। हेलो, साहब साहब क्या हुआ साहब? हमें यहाँ क्यों लाए साहब? अब हमें कुछ नहीं पता साहब। साहब मेरी बीवी माँ बनने वाली साहब, अभी हफ्ते भर में बच्चा जनने वाली साहब, हमें जाने दो साहब। साहब हम लोग गरीब आदमी हैं, जाने दो ना हमको साहब। जाने देंगे, पहले ये बताओ जिस डॉक्टर से तुम्हारा झगड़ा हुआ था उसके साथ क्या किया? डॉक्टर? कौन डॉक्टर साहब? मैं कुछ नहीं जानता साहब। ये कौन है? ये दोस्त है साहब मेरा। एक मिनट, ज़ूम करना। इसका स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से जल्दी मेरे नंबर पे भेज दो। साहब हम गरीब आदमी साहब, हाँ हमारा झगड़ा हुआ था डॉक्टर मैडम से साहब, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी साहब कि हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे साहब। नहीं करेंगे साहब हम। साहब भगवान के वास्ते हमें जाने दो ना, इन्होंने कुछ नहीं किया साहब, जाने दो हमें। ठीक है, जा सकते हो, लेकिन याद रखना पुलिस चौकी से कॉल आया ना तो तुरंत चले आना। जी वाले, जरूर जा। धन्यवाद साहब, चलो चलो। ए, रुक! झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। चल इधर! पांडे जी यहाँ से राइट लीजिए। फटे चलो, कहाँ पहुंचे? सर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। अच्छा हुआ जो भोला मिल गया, अगर उससे उसका नंबर नहीं मिलता तो शायद वो हमारे हाथ से निकल जाता। लेफ्ट लीजिए। सर ये लोकेशन तो करीबन 50 मीटर के आसपास दिखा रही है। जी सर। हत्यारे यहीं आसपास हैं, चौकन्ने हो जाओ, कोई भी बच के जाना ना पाए। चलो ये लोकेशन तो यहाँ दिखा रहा है। जी सर। चलो कोई बच के जाना ना पाए। यहाँ सब लोग संभाल के सर, बच के जाए ना पाए। जी सर।
बहुत दौड़ा लिए ना है? क्या किया था तूने डॉक्टर भूमि के साथ? सच सच बताओ वरना उल्टा लटका के मारेंगे तुझे। शीतल शीतल छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे शीतल छोड़ो, ये भोला है, इसने कुछ नहीं किया, निर्दोष है। एक काम करते हैं, लोग जाने देते, छोड़ देते सबको, है ना? असली कातिल तो इनमें से ये है, हाँ? इसने ही उसका बलात्कार किया और उसे जान से मार दिया। स्कूटी ले जाते यही दिखा था ना, हाँ? एक काम करते हैं, इसको अंदर डाल देते, फांसी जाएगी, सबूत सिकला मिल ही जाएंगे हमें, है ना? सच क्यों नहीं बोल रहा? सर, हम अकेले कुछ नहीं किए सर। कौन कौन था साथ में? चारों ने जो कुछ किया सारा प्लान भोला भैया का था। इसने स्कूटी पंचर करी थी और इसी ने ही सर दारू पिलाई थी हम लोगों को और हम लोग इसको छोड़ना मत सर, फांसी दिलाना इसे, फांसी। तू अरे साला, तुम पर अपना मुंह खोल दिया, पकड़ इसको। हाँ, हमने किया उस लड़की के साथ बलात्कार। जलाया भी हमने ये, उसी की स्कूटी से पेट्रोल निकालकर डाल दिया उस पर। तुम सबको ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। डायरेक्ट फांसी होगी तुम लोगों को। अरे क्या फांसी होगी साहब, चार पाँच साल तो यूं फाइल ये तारीख पे चलती रहेगी। ए जबान सवाल के बात कर, जबान खींच लेंगे मेरी। क्या जबान काट देंगे मैडम आप, तुम पुलिस वाले हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। करेगा? हाँ बोला भैया। बलात्कार एक करो या दो, सजा तो एक ही बार दोगे ना, वो भी मिली तो मिली, वरना दो चार साल में जेल से बाहर। तुम सबने मेरी बहन को मारा है, तुम्हें भगवान इसकी सजा जरूर देगा। अगर किसी अपराधी के हौसले इतने बुलंद है कि वो अपराध करके पकड़े जाने के बाद ये सोच के बैठा है कि कानून और न्यायपालिका उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, उसका अपराध कई साल तक साबित ही नहीं हो पाएगा, तो ये हमारे समाज, न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासन के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। लेकिन बलात्कार जैसे संगीन जुर्म में अब सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू कर दिया है, निर्भया फंड बनाया गया है जो पीड़ित को मुकदमा लड़ने के लिए आर्थिक मदद करता है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसले अब 6 महीने की अवधि में ही हो जाते हैं। डॉक्टर भूमि सिंह के मुजरिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अपराधियों ने अपराध भी कबूल कर लिया था, लेकिन उनका असली अंजाम अभी बाकी था। मुकदमा शुरू होगा, हम तारीखों पर जाते रहेंगे, पता नहीं कब इंसाफ मिलेगा मेरी बहन को। इंसाफ मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। ऐसे बलात्कारियों के जीने का कोई अधिकार नहीं है,
बहुत जल्दी ये चारों फांसी के फंदे पर लटकते हुए दिखेंगे। काश काश ऐसा ही हो। मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। हमने चारों को 7 दिन के रिमांड पर लिया है। आज हम उन्हें क्राइम सीन पर ले जाने वाले हैं। इतने मजबूत सबूत इकट्ठा करेंगे कि हमारा केस बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ेगा। आप भरोसा रखिए। थैंक यू। बस ये तो हमारा फर्ज है, इसीलिए तो वर्दी पहनी है। चलते हैं। यहीं पे भगा के लाया था ना डॉक्टर भूमि को। मजा आ रहा था ना उस दिन हमारा रास्ता रोककर, हमारी बेइज्जती करके। अब देख क्या हाल करते हैं तेरा। वैसे भी 8 महीने बीत गए, बहुत दिनों के बाद मौका मिला है दिलखुश करने का। मुझे जाने दो। क्या बोला भैया, अकेले ही अकेले मजे लोगे का? हम दोस्तों को भूल गए क्या? नहीं रे, तुम लोगों से तो चोली दामन का नाता है अपना। अगर हम मजे लेंगे तब मजे लेंगे।
कहीं जलाया था ना, कहीं जलाया था ना डॉक्टर भूमि को, कहीं जलाया था ना। देख, देख, क्या है? तुम लोगों ने जो भी किया उसके लिए अगर 10 बार ही फांसी मिले ना तो कम है। दादा मैं फांसी से मत मारिए साहब, हमसे गलती हो गई है साहब, हम सब गवाही देने को तैयार है साहब, साहब हमें फांसी से मत मारिए। इस गलती की माफी तो नहीं मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी कि सारे समाज में एक मिसाल कायम हो जाएगी। मत, वरना गोली दाग दूंगा। देखो देखो ये बचकानी हरकत मत करना, बहुत पछताओगे तुम। यहाँ से बच के निकल सकते हो तुम? अगर तूने मुझ पे गोली चलाई ना तो भी जिंदा नहीं बचेगा। बहुत अच्छे बोला, बहुत अच्छे, तो भाग जल्दी। गोली मत चला। देखो यहाँ से जाओ मत। हम लोग मरे तो तुम भी मारो। जी इंस्पेक्टर साहिबा, बोलिए अब क्या पूछताछ करनी है आपको? चारों पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, लगता है भगवान को तुम्हारे कोर्ट के चक्कर काटना मंजूर नहीं था, इंसाफ हो गया। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, फर्ज है हमारा। कभी कभी फर्ज पूरा करने में देरी हो जाती है, उसके लिए हमें भी तकलीफ होती है। Well done, Shizu. I am proud of you. Thank you. बड़े दुख, अफसोस और शर्म की बात है कि हमारे देश में बलात्कार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
डॉक्टर भूमि सिंह के साथ गैंग रेप और हत्या की घटना के बाद लोगों का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था, देश में गुस्सा था। लेकिन जैसे ही भूमि सिंह के चारों अपराधी एनकाउंटर में मारे गए तो देश के सभी लोगों ने पुलिस के इस साहसिक कार्य का सम्मान किया और डॉक्टर भूमि सिंह के परिवार को जल्दी ही इंसाफ मिल गया। देश में बढ़ रहे बलात्कार और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को खत्म करने का रास्ता सिर्फ एनकाउंटर नहीं हो सकता। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ महिला सुरक्षा का पाठ पढ़ाना होगा, महिलाओं की अहमियत बतानी होगी। और जब देश का हर युवा, हर पुरुष महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर देगा, महिलाओं को इज्जत की नजर से देखेगा, तब ऐसे अपराधों में अवश्य कमी आएगी। और इसकी शुरुआत हमें कहीं बाहर से नहीं बल्कि अपने घर से करनी होगी। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।